हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज जो इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव यू इंग्लिश। आज के लेसन में क्लास सिक्स हनीसकल बुक की पोएम नंबर 5 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो की समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर अ लिटिल चाइल्ड हिज और हर टीचर इज स्पेशल। एक छोटे से बच्चे के लिए उसका जो टीचर है, अध्यापक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा खास है। नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सो ही वंडर्स वेयर द टीचर्स गो आफ्टर द स्कूल आवर्स। एक छोटा सा बच्चा है और वो ये सोचता है कि जो उसका टीचर है वो बहुत ज्यादा खास है और वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तो वो आश्चर्य से सोचता है कि जो जितने भी टीचर्स हैं, जब स्कूल खत्म हो जाता है तो उसके बाद बाकी जो टीचर्स है वो जाते कहाँ हैं स्कूल खत्म होने के बाद। He wants to know if they live in houses and also wash their clothes. और वो बच्चा ये भी जानना चाहता है कि क्या वो भी घर में रहते हैं या फिर वो भी अपने खुद के कपड़े धोते हैं। He wonders if they feel relaxed at home, wear pajamas and watch TV. और वो ये भी सोचता है कि क्या वो घर पे आराम करते हैं, क्या वो भी हमारे तरह पजामा पहनते हैं और हमारी तरह टीवी देखते हैं। He is also eager to know if the teachers have their parents at home. और वो छोटा जो बच्चा है वो इतना उत्सुक है जानने के लिए, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि जो टीचर्स हैं, उनके जो अध्यापक हैं, क्या उनके भी पेरेंट्स, उनके भी मम्मी पापा उनके साथ घर पे रहते हैं। एंड इफ दे टू वर नॉटी एट स्कूल, और वो ये भी जानना चाह रहा है कि जब टीचर्स जो अपने स्कूल में पढ़ते थे तो क्या वे भी उस बच्चे की तरह नॉटी थे, शैतान थे। स्पेल दे वर्ड्स रॉन्गली, क्या उन्होंने भी स्पेलिंग मिस्टेक की थी जब टीचर्स अपने स्कूल में पढ़ते थे। एट चॉकलेट्स इन द क्लास, क्या टीचर्स ने क्लास में चॉकलेट भी खाए। एंड वर टोल्ड टू स्टैंड इन द कॉर्नर एज पनिशमेंट, और क्या उनको भी पनिशमेंट के तौर पर क्लास के कॉर्नर में खड़ा करवा दिया जाता था। The child compares his own habits with those of the teachers in their childhood. बच्चा जो अपनी उसकी जो खुद की आदत है वो अपने टीचर्स की आदतों से कंपेयर कर रहा है, वो तुलना कर रहा है। They too must have lost their prayer. और वो बच्चा सोच रहा है कि टीचर्स जब छोटे थे अपने स्कूल में तो शायद उन्होंने भी अपनी जो प्रेयर की बुक है वो भी खो दी होगी। वो डर्टी जीन्स, और वो भी हमारी तरह गंदे जीन्स पहनते होंगे जब वो बच्चे होंगे। एंड स्क्रिबल्ड ऑन द डेस्कटॉप, और उन्होंने भी हमारी तरह जो डेस्क के ऊपर जो हम पेन या पेंसिल से स्क्रिबल कर देते हैं, गंदी से राइटिंग लिख देते हैं, उन्होंने भी किया होगा। द चाइल्ड प्लान्स टू फॉलो हिज टीचर टू फाइंड आउट व्हाट ही और शी डज एट होम। तो छोटा बच्चा प्लान करता है कि वो अपने टीचर को फॉलो करेगा, पीछा करेगा, ये जानने के लिए कि वो घर पे क्या करते हैं। He will then record that in a poem. और उसके बाद वो एक कविता लिखेगा और उसके अंदर ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगा। The teacher will read that poem to other children as fun. और फिर जो poem उस बच्चे ने लिखी है, उस poem को टीचर रीड करेंगे बच्चों के सामने एक मजे के तौर पे। So, ये था चैप्टर का समरी। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल समरी है, जहाँ पे एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड है, वो ही सोचता है कि टीचर्स की लाइफ एग्जैक्टली होती कैसी है, वो स्कूल जाने के बाद क्या करते हैं, क्या उन्होंने भी वो सब शैतानियाँ की हैं जो हम लोग कर रहे हैं अभी। फाइन, सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।